हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों वर्नियर कैलिपर तो लगभग सभी लोग जानते ही है, बहुत लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। बहुत से लोग वर्नियर कैलिपर देखे होंगे, 300 mm का, 150 mm का, 200 mm का, 600 का। तो अभी क्या है ना, मैं जो आज वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है 1 मीटर का वर्नियर कैलिपर, यानी कि 1000 mm का, ठीक है ना। तो ये वर्नियर कैलिपर के बारे में कुछ डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि इस वर्नियर कैलिपर में कैसे क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, पार्ट्स, मेजर पार्ट्स क्या है एंड इसको यूज कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए कि ये वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे होता है, किस जगह में यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है। नमस्ते दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा 1 मीटर का वर्नियर कैलिपर। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा ओपन हो गया है, बॉक्स को खोलते हैं। ये रहा शानदार 1 मीटर का वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले हम लोग इसका नोमेनक्लेचर यानी कि कुछ मेजर पार्ट्स हम लोग समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को आसान होगा। इसमें मेजर पार्ट्स क्या क्या है समझने की कोशिश करें। मैं पूरा वर्नियर तो आप लोग को स्क्रीन में नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ हिस्से को दिखाते हुए मैं समझा देता हूँ। तो अब क्या है, ये देखिए, ये जो हमारा है ना, हम लोग नॉर्मली तौर पे वर्नियर कैलिपर पे देखते हैं कि हम लोग का इनसाइड जो ऊपर में लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या है, इनसाइड आउटसाइड दोनों एक में है। कैसे, जैसे हम लोग आउटसाइड मापते हैं, इसमें आउटसाइड तो हम लोग उसी तरह से मापेंगे खोल करके, लेकिन इनसाइड कैसे मापेंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारा हिस्सा इनसाइड मापने में काम आएगा। आप लोग सोचेंगे फिर इसको मापेंगे तो देखेंगे कहाँ। तो अब ये देखिए कि जैसे सबसे पहले मैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि मेजर पार्ट्स बता देता हूँ, तो ये हम लोग का इनसाइड जो हो गया और ये आउटसाइड जो हो गया, दोनों जो इसी में है। उसके बाद में ये हम लोग का मेन स्केल यानी मेन बीम जिसको बोलते हैं, और ये हम लोग का वर्नियर स्केल जिसको हम लोग स्लाइडर भी जानते हैं, जो मेन स्केल पे स्लाइड करता है। तो ये हम लोग का वर्नियर स्केल हो गया। ये दो जो है क्लैंप स्क्रू है और ये एडजस्टमेंट नट है। इसमें कुछ यही मेजरिंग पार्ट्स है। और एक चीज, इसमें डेप्थ बार, जो नॉर्मली हम लोग वर्नियर कैलिपर में देखते हैं लास्ट में एक डेप्थ बार होता है, तो वो डेप्थ बार इसमें नहीं होता है, इसमें डेप्थ बार नहीं दिया गया है। इसमें बैक साइड से देखिए, ये कुछ नहीं है, प्लेन है, इसमें डेप्थ बार नहीं दिया गया है, ठीक है। अब क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये जो दो क्लैंप स्क्रू है, ये दोनों का काम क्या है। तो एक का, इसको अगर हम लोग लॉक कर देंगे तो हम लोग का वर्नियर कैलिपर लॉक हो जाता है। बट अगर हम लोग इसे लॉक करते हैं, तो इसको लॉक करने का मतलब क्या होता है कि कोई साइज अगर हम लोग मापे हुए हैं तो फाइन एडजस्टमेंट नट के द्वारा हम लोग इसे घुमा करके स्लाइडर को इधर या इधर ले सकते हैं, अगर इसे लॉक करते हैं तो। और फाइनली इसे फिर लॉक किया जाता है। तो ये दो क्लैंपिंग नट इसलिए यूज किया जाता है। इसको समझ गए ना। इसको देखिए, फिर से मैं बताता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों ही क्लैंपिंग नट है, बट इसे हम लोग टाइट करते हैं जब हम लोग को एडजस्ट करना होता है, और इसे फाइनली एंड टाइट करते हैं जब लॉक करते हैं। कहने का मतलब, हम लोग को साइज जब ले चुके होते हैं उस वक्त हम इसे टाइट करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्लैंपिंग नट हो गया, ये एडजस्टमेंट नट हो गया, क्लैंपिंग स्क्रू हो गया, और ये हम लोग का एडजस्टमेंट नट हो गया, ये मेन स्केल यानी मेन बीम हो गया, ये हम लोग का जो स्लाइडर है, स्लाइडर यानी कि हम लोग का वर्नियर स्केल भी इसी में है। दूसरी बात, इसमें इंच में नहीं दिया गया है, ये टोटल mm में है। अब हम लोग इनसाइड देखेंगे तो ये मेजरिंग कहाँ आ रहा है, तो ये देखिए आउटसाइड जब चेक करेंगे तो यहां से हम लोग का जीरो से दे दिया गया है, 0, 10, 20, 30, 40 है ना। लेकिन हम लोग का जब इनसाइड देखते हैं ना, तो हम लोग का 0 यहाँ दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइड के लिए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इनसाइड, इसमें लिख दिया गया है आउटसाइड। आउटसाइड मेजरमेंट लेने के लिए ये वाले मेजरमेंट्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन इनसाइड लेने के लिए हम लोग इस मेजरमेंट्स को देखेंगे। अब ये 20 से मैच कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, इसका जो माप है, ये मेजरमेंट हम लोग का 20 है। कभी भी जब हम लोग इसमें इनसाइड देखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को जो साइज आ रहा है उससे हम लोग को 20 प्लस कर देना है, तो हम लोग का मेजरमेंट ऑटोमेटिकली सही आ जाता है, ठीक है। ये था हम लोग का कुछ
हिस्सा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ जो का कहानी क्या है। तो ये देखिए हम लोग का आउटसाइड इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, इनसाइड हम लोग इससे चेक करते हैं और 20 प्लस कर लेते हैं। अब देखिए ये हम लोग का 20 से ही प्लस होकर के इधर को जा रहा है। अगर हम लोग का आउटसाइड यहाँ पर कितना हो रहा है 14 mm, तो हम लोग का 14 आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है हम लोग का, आ रहा है हम लोग का 34, कितना आ रहा 34। तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे 20 माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हम लोग का 14 ही आएगा। तो हम लोग का इसमें मेजरमेंट कुछ इस तरीका से लिया जाता है। ये मिटू टोयो कंपनी यानी ये मेड इन जापान का कंपनी है। अब ये तो रहा हम लोग का जो पार्ट्स रहा, और इसमें जो मैंने आपको पार्ट्स बताया ये 1 मीटर के वर्नियर कैलिपर में। अब इसको मापते कैसे हैं, किस तरह से इसको मापा जाता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। दोस्तों जब भी हम इस वर्नियर कैलिपर को यूज करें, तो जाहिर सी बात है अगर हम इस वर्नियर कैलिपर को यूज करेंगे, 1 मीटर का वर्नियर कैलिपर अगर यूज करेंगे, तो 100 mm या फिर 200 mm का डायमीटर मापने के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग 500 से ऊपर का ही डायमीटर मापने के लिए यूज करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग इतने बड़े डायमीटर को या इतने बड़े लेंथ को अगर मापने के लिए यूज करेंगे ना, तो उस जगह होता क्या है कि उस जगह हम लोग को पकड़ने में मुश्किल होती है। तो कभी भी अगर इस तरह से अगर आपको मापना पड़े, इस तरह से वर्नियर कैलिपर में एक्यूरेसी देखना पड़े, क्योंकि अगर आप वर्नियर कैलिपर से माप रहे हो तो आपको एक्यूरेसी दरकार है, तो आपका एक सहकर्मी आपके साथ में होना चाहिए, जिसको आपके जैसा ही या फिर स्किल्ड वाला होना चाहिए, उसके नॉलेज होना चाहिए। अब क्या है, बर्नियर कैलिपर का एक हिस्सा वो अपने हाथ में पकड़े, दूसरा हिस्सा आप अपने हाथ में पकड़ो, और जो सेकेंड वाला क्लैंप स्क्रू जिसको मैंने बताया था जिससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसको टाइट करने के बाद में आपको रीडिंग लेना है, और रीडिंग लेकर के उसको एडजस्टेबल नट को आपको टाइट करना है, आप एडजस्ट फील करने के अनुसार, या मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट कर देना, एडजस्ट करके आपको फील करना है, और उसको फिर फाइनली एंड लॉक को लॉक करके आपको देख लेना है कि क्या साइज हुआ है। इस तरीका से दोस्तों इसको यूज किया जाता है, लेंथ भी इसी प्रकार से ही यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोग वर्नियर कैलिपर में, 1 मीटर का वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल से जाने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दे, जो न्यू विजिटर्स आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कभी, धन्यवाद।